हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ आम के बगीचे में, और यहाँ आम के बहुत सारे पेड़ हैं और तरह तरह के आम हैं गाइस। यहाँ पे बहुत सारे आम लटके हुए हैं और डाल के आम हैं गाइस, तो मैं आपको दिखाऊंगा और एड्रेस भी दे दूंगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है गाइस। तो देखिए गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली गाइस, देखो मैं पहुँच चुका हूँ, और देखिए आप देख सकते हैं ये जो है लंगड़ा आम है, इसको लंगड़ा आम बोला जाता है, और ये डाल के आम है। ये देखिए, ये थोड़ा सा पक चुका है, ये देखिए। तो देखिए कितना आप देख सकते हैं, और ये देखो ये नीचे ही लटका हुआ, कितना देखो डिस्टेंस देख लो इसकी, कितना पास में, मतलब नीचे ही लटका हुआ है ये, और ये पकने वाला है। मतलब डाल के आम की यार बात ही अलग है ना, बहुत अच्छे होते हैं। और ये लंगड़े का पेड़ है, ये भी दूसरा वाला आप देख सकते हैं, ये वाला। तो और ये सामने देख सकते हैं गाइस, ये दशहरी का पेड़ है, और दशहरी आम तो यार बहुत अच्छा होता है खाने में, ये देख सकते हैं आप लोग ना। और भी दिखाऊंगा गाइस मैं आपको, ये दशहरी आम है, ये देखिए ये लटका हुआ है, और ये अभी पका नहीं है गाइस, तो टाइम लगेगा अभी थोड़ा। और देखिए कितने सारे आम लगे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार, मुझे तो मज़ा आ रहा है इसको देख के। और एक गाइस नीचे ही पड़ा हुआ है, देख सकते हैं, ये देखिए ये जो नीचे पड़ा है, ये देखिए। तो मतलब जो ज़्यादा पक जाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं खुद से। और एक आम ये देख सकते हैं, ये नीचे पड़ा हुआ है, ये देखिए ये पक चुका है, और ये देखिए गाइस बहुत सारे आम हैं यहाँ पे। देखिए ये पेड़ देखिए, और पेड़ काफ़ी पुराना पेड़ है गाइस, ये काफ़ी पुराना पेड़ है, और बहुत सारे आम लटके हुए हैं इधर, ये देखिए। और ये डाल के आम की बात ही अलग है, डाल के आम का मज़ा ही अलग है खाने का यार, बहुत अच्छे होते हैं, लाजवाब होते हैं काफ़ी। मतलब यार जो डाल के आम की बात है ना, वो पाल में लगाते हैं ना, वो उसका मज़ा ही नहीं आता जो बर्फ़ से पकाते हैं, तो डाल के आम की तो बात ही अलग है। और देखो ये पूरा आप देख सकते हैं, ये देखिए साथ में लटके हुए हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं, और कितने बड़े बड़े हैं ना ये। तो यार मज़ा आ गया, मैं आज आ गया हूँ इधर, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ, ये देखिए ये लटके हुए हैं गाइस साथ में, मतलब गुच्छा बना हुआ है, बहुत सारे आम एकदम साथ में लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बड़े बड़े आम, तो बहुत सारे आम लटके हुए हैं इधर उधर। और दूसरा पेड़ देखते हैं गाइस, आइए मेरे साथ। अच्छा ये भी दशहरी का है, इधर आ गए हम इस वाले पेड़ पर, तो ये भी गाइस दशहरी का है, लेकिन इस पर छोटा छोटा आम आया हुआ है, आप देख सकते हैं ना, छोटे छोटे आम हैं, और अभी इनको टाइम लगेगा बड़े होने में। देखिए गाइस, तो मैं दिखाता हूँ आपको गाइस, ये देख सकते हैं, लेकिन लंगड़ा आम भी यार बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। मैं लंगड़ा आम दिखाता हूँ आपको, नीचे आम तमाम पड़े हुए हैं यार, बहुत सारे आम पड़े हुए हैं, और बारिश का सीज़न भी हो रहा है, तो बारिश हो रखी है, तो कहीं कहीं ना गड्ढे में पानी भरा हुआ है। तो ये देखिए गाइस, इधर देख सकते हैं, ये लंगड़ा आम देखिए गाइस कितना बड़ा है, ये देखिए पास से दिखाता हूँ मैं आपको ना, कितना बड़ा आम है इधर, ये देख सकते हैं गाइस। तो यार मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे आम हैं यार लटके हुए हैं, और ये देखिए बड़े बड़े आम देख सकते हो गाइस, ये देखो कितना बड़ा आम है, ये देखिए। तो बहुत अच्छा यार, मज़ा आ गया यार बाग में आके। और ये बाग आपको गाइस पड़ने वाला है रुद्रपुर में, देख सकते, ये देखिए गाइस मेरे पीछे बहुत सारे आम लगे हुए हैं, कच्चे आम, और ये अभी थोड़ा डाल के हो जाएंगे ना, पक जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, काफ़ी बड़े बड़े होने वाले हैं ना। और आम के खाने की बात ही अलग है यार, आम किसका फेवरेट नहीं है, सभी का फेवरेट होता है, मुझे लगता है सबका, अधिकतर सभी का होता होगा 90%, तो आम तो यार राजा है। देखिए मज़ा आ गया गाइस, अब चलते हैं आगे की ओर, और आगे भी पेड़ है, तो आगे भी मैं दिखाऊंगा गाइस आपको, ये देखिए मतलब बाग है यार, बहुत सारे पेड़ होंगे इसमें, कितने पेड़ होंगे मुझे लगता है इसमें करीब करीब 400-500 पेड़ होंगे, ये देखिए, ये देखिए। गाइस मैंने परचेज कर लिए आम, और बहुत सारे आम लिए हैं।